हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज जो चैप्टर होगा दोस्तों, सातवां चैप्टर होगा नियंत्रण एवं समन्वय। इन चैप्टर का सारे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले दोस्तों 6 चैप्टर कवर हो चुका है दोस्तों, आज 7वां चैप्टर है, तो पहले 6 वीडियो को जरूर देख ले। आज जो चैप्टर होगा दोस्तों, नियंत्रण एवं समन्वय स्टार्ट होने वाला है, तो दोस्तों इनके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोलना और लिखना मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होता है? दोस्तों मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। दोस्तों अग्र मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भी दोस्तों 3 भाग होता है, ठीक है दोस्तों, और मध्य मस्तिष्क का 1 भाग होता है और पश्च मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। तो इनका आगे देखेंगे दोस्तों, इनको आगे देखेंगे। तो अग्र मस्तिष्क जो इसका जो होगा, बोलना और लिखना मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। दोस्तों अग्र मस्तिष्क का काम होता है ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम लोग अपने इच्छा अनुसार जो कुछ भी करते हैं, अपने विल पावर के अनुसार जो सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारा जो है अग्र मस्तिष्क का काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन और दिल का धड़कना उदाहरण है? तो दोस्तों याद रखिएगा, श्वसन और दिल का धड़कना जो है अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों श्वसन और जो है दिल धड़कता है और जो हम लोग सांस लेते हैं, ये अनैच्छिक क्रिया दोस्तों, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, इसीलिए इसे अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनैच्छिक क्रिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हार्मोन स्रावित होने के लिए जो है आयोडीन अति आवश्यक है, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो दोस्तों हार्मोन स्रावित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का कार्य होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंसुलिन का जो हमारे शरीर में कार्य होता है, वो रक्त में शक्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज इत्यादि, ठीक है दोस्तों। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता दोस्तों, शक्करा ऑप्शन में नहीं रहता, तो ये ग्लूकोज मेरा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा सूटेबल आंसर शक्करा है दोस्तों, अगर यहाँ पे शक्करा है तो ज़्यादा प्रेफरेंस शक्करा को दीजिएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रक्त में शक्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा मनुष्य का ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो दोस्तों सबको पता है ज्ञानेंद्रिय 5 होता है, कौन कौन दोस्तों? एक कान हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, और एक तो होता है दोस्तों त्वचा, है ना दोस्तों, त्वचा, और एक होता है जीभ। ये 5 जो है दोस्तों ज्ञानेंद्रिय होता है, जबकि हाथ ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन में नहीं पाया जाता? हार्मोन पादप में नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, पूछा है इनमें से कौन सा हार्मोन पादप में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों सबको पता है कि इंसुलिन जो है दोस्तों मानव स्रावित हार्मोन है, जबकि ऑक्सिन, ऑक्सिन, ज्यूरेलिन और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है दोस्तों। इनका काम बता देते हैं दोस्तों, साइटोकाइनिन का काम होता है दोस्तों फल व बीज में पाया जाता है दोस्तों ये, तथा ये फल को पकाने में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। साइटोकाइनिन जो है फल को पकाने में सहायक होता है, जबकि जिब्रेलिन जो है तने की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों, तने की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों, तने की वृद्धि में सहायक होता है, जबकि ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है दोस्तों पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, ये पौधे की वृद्धि में, पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों, ये पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्मोन पादप में नहीं पाया जाता है। तो ये सारे जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे इन पादप हार्मोन में पाए जाते हैं, जबकि इंसुलिन जो है पादप हार्मोन में
नहीं पाया जाता है। और साइटोकाइनिन का काम होता है दोस्तों, साइटोकाइनिन फल व बीज में पाया जाता है दोस्तों, तथा यह फल को पकाने में सहायक होता है, जबकि जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है, और ऑक्सिन जो है दोस्तों पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, तो दोस्तों अभी बताया कि तीन मस्तिष्क को तीन भाग में बांटा है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क को भी तीन भाग में बांटा है। कौन कौन भाग दोस्तों? एक है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एक सेरेब्रम। ठीक है दोस्तों, सेरेब्रम जो है सब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये दो तिहाई भाग जो है मस्तिष्क का होता है। और दोस्तों इसका काम होता है, ये दोस्तों ये बुद्धि का केंद्र होता है, सेरेब्रम जो होता है ये बुद्धि का केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र होता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को नियंत्रित करने के साथ साथ भूख प्यास तथा ताप को नियंत्रित करता है दोस्तों। भूख प्यास तथा ताप को नियंत्रित करता है, भूख ताप तथा प्यास को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जबकि थैलेमस ग्रंथि दोस्तों दर्द होता है, हमें ठंडी महसूस होती है दोस्तों, ठंडी महसूस होती है या गर्म महसूस होती है, तो इसका काम होता है थैलेमस ग्रंथि का। तो यहाँ पे पूछा है अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो दोस्तों इसमें से सारे जो है तीनों अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है दोस्तों, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। अगला चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, तो याद रखिएगा दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क जो है मस्तिष्क को तीन भाग में बांटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, पश्चिम मस्तिष्क में भी तीन भाग में, पश्चिम मस्तिष्क को भी तीन भाग में बांटा है, सेरेबलम, स्पिनल कोड और मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं सेरेबलम को अनुमस्तिष्क और स्पिनल कोड को मेरुरज्जु या मेरुदंड बोलते हैं, और इसको मेडुला ही बोलते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क का जो है तीन भाग में बांटा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, इसका काम समझ लेते हैं दोस्तों। पश्चिम सेरेबलम का जो काम होता है दोस्तों, सेरेबलम का शरीर को संतुलन बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, सेरेबलम का काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। जबकि दोस्तों स्पिनल कोड का काम क्या होता है दोस्तों, यह इसका काम होता है दोस्तों कि जब हमें चोट लग, जब आग के पास उंगली ले जाते हैं दोस्तों, तो गर्म का एहसास होता है और अपने हाथ तुरंत खींच लेते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा है ना दोस्तों, स्पिनल कोड का काम होता है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना। जैसे सुई चुभने पे तुरंत हाथ को पीछे की ओर खींच लेना, या कोई भी शरीर का भाग को पीछे की ओर खींच लेना। सेरेबलम का काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, जबकि मेरुरज्जु का काम होता है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना। और मेडुला ओब्लोंगाटा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका तीन काम होता है। एक तो हार्ट बीट को नियंत्रित करना है ना दोस्तों, दिल का धड़कन को नियंत्रित करना, एक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है ना दोस्तों, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, और एक श्वसन को नियंत्रित करना है ना दोस्तों, ब्रेथिंग को नियंत्रित करना, श्वसन को नियंत्रित करना। तो इसका तीन काम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क का तीन भाग होता है, और एक होता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है दोस्तों कार्पोरा क्वाडिजेमिना है ना दोस्तों, याद रखिएगा क्वाडिजेमिना। ठीक है दोस्तों, ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, और इसका काम होता है दोस्तों देखने सुनने की शक्ति को यह नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है दोस्तों, जबकि ईसीजी का हृदय की गति को जाँच करने के लिए करते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जबकि एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मस्तिष्क का जो औसतन वजन होता है दोस्तों वो 1400 ग्राम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है दोस्तों वो सेरेब्रम का ही होता है। जैसे हम बताया कि 2/3 भाग जो है मस्तिष्क का सेरेब्रम में ही होता है और सबसे ये बड़ा भाग होता है। और सेरेब्रम का काम होता है दोस्तों, ये बुद्धि का केंद्र होता है और सारे जो क्रिया करते हैं हम लोग, जो सोचते हैं, लिखते पढ़ते हैं, सारे चीज़ जो है सेरेब्रम ही नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। और सेरेब्रम जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, जबकि सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और सेरेब्रम पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। और इसका काम होता है शरीर को संतुलन बनाए रखना, अभी बताया दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, है ना दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया जैसे अभी बताया, प्रतिवर्ती क्रिया जैसे सुई चुभने पे हाथ पीछे की ओर खींचते हैं, तो ये एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। और इसका केंद्र जो होता है दोस्तों, स्पिनल कोड होता है, यानी मेरुदंड, है ना दोस्तों? मेरुरज्जू या स्पिनल कोड या मेरुदंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरुदंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तो याद रखिएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है, ठीक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो दोस्तों अभी बताया, श्वसन जो क्रिया करता है ये मेडुला के द्वारा किया जाता है। मेडुला तीन चीज़ को नियंत्रित करता है दोस्तों, एक तो हार्ट बीट, है ना दोस्तों, अभी बताया, एक हार्ट बीट और एक श्वसन और एक ब्लड प्रेशर, ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये तीन चीज़ नियंत्रित करता है मेडुला, श्वसन, हार्ट बीट और यानी दिल का धड़कन जो है, और सांस जो लेते हैं, श्वसन करते हैं, और एक ब्लड प्रेशर को, ठीक है दोस्तों, रक्तचाप को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है दोस्तों, श्वसन को नियंत्रित करने वाला, और यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है, तो इनमें से कौन कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है दोस्तों? याद रखिएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जू है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो अभी बताया दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तीन भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा पुरुष लिंग हार्मोन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पुरुष लिंग हार्मोन पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जबकि स्त्रीलिंग हार्मोन पूछेगा तो दोस्तों एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पुरुष नहीं रहता, सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ पे पुरुष नहीं रहता तो इसका आंसर हो जाता, है ना दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाता दोस्तों, इनमें से कौन सा लिंग हार्मोन है सिर्फ रहता दोस्तों, पुरुष नहीं रहता, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाता दोस्तों। तो अभी इसमें पुरुष लिंग हार्मोन पूछा है, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? दोस्तों जो एड्रिनलिन जो हार्मोन है, इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्रिनलिन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इंसुलिन स्रावित होता है, तो दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से, ठीक है दोस्तों, और अग्नाशय में एक कोशिका भित्ति होता है, उससे स्रावित होता है। तो इसका इंसुलिन स्रावित होता है किससे दोस्तों? हो जाएगा इसका सही आंसर अग्नाशय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, अभी बताया दोस्तों। और साइटोकाइनिन का क्या कार्य होता है दोस्तों? ये फलों और बीज में पाया जाता है, और ये जो है फल पकाने में सहायक होता है साइटोकाइनिन, ठीक है, जबकि इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये सभी मानव हार्मोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं?
तो याद रखिएगा दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को, यानी दो तंत्रिका को जोड़ने वाले जो खाली स्थान होते हैं दोस्तों, उसे सिनेप्स बोलते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनेप्स। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मस्तिष्क उत्तरदायी है दोस्तों, मस्तिष्क जो है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, ठीक है दोस्तों, ये सारे के लिए उत्तरदायी है। तो इसका कुछ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बस यहीं तक ख़त्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आए अगर वीडियो, तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई सुझाव वगैरह देना हो तो। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो का जो है बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, उससे जो है सारे आने वाले वीडियो जो है आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, जो 8वां चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, ठीक है दोस्तों।